आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो जोड़ने का काम करता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से बहुत बड़े तरीके से जोड़ देगा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी इसके बारे में आप क्या समझिए कि इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, ये लूजली स्पेस्ड होता है। सबसे ज्यादा लूजली स्पेस्ड जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज लूजली स्पेस्ड, देन आपको आंसर देना कनेक्टिव टिश्यू। और कहां पर प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के बारे में, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। ओके, तो गाइस जो हमारा ब्लड है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के इसका जो पार्ट है वो हो गया, एक तो ब्लड हो गया। ठीक है, ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, WBC देखने को मिलती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC देखने को मिलते हैं, रेड ब्लड सेल, और क्या देखने को मिलता है, प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं, कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलते हैं, मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं, ल्यूकोसाइट देखने को मिलते हैं, लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें ब्लड के अंदर देखने को मिलती हैं। तो जो ब्लड है उसके अंदर मेन आपको क्या क्या याद रखना है, ब्लड के अंदर हमें क्या मिलता है, RBC देखने को मिलता है। और RBC के अंदर क्या होता है बेटा, जो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, मतलब RBC और हीमोग्लोबिन का आप साथ ही पढ़ते हो 10th क्लास तक। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन करता है ब्लड के अंदर। जो रेड ब्लड सेल्स है, कौन सी रेड ब्लड सेल्स है, वो कैसी होती है, हमारे ह्यूमंस में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाइकनकेव होती है, बाइकनकेव आपने देखा होगा, बीच में से पिचकी सी हुई होती है हमारी RBC इन ह्यूमंस, बाइकनकेव। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमंस में जो ब्लड सेल्स है वो कैसी होती है, वो होती है बेटा बाइकनकेव। कैसी होती है, बाई मतलब कि दोनों तरीके से, बाइक मतलब होता है दोनों जगह से, कनकेव। कॉनकेव क्या होता है बेटा, कॉनकेव कनकेव कॉनकेव जो भी बोलो, देखो इस तरीके से, एक तो इसको बोलते हैं कॉनकेव जब यहाँ से पॉलिश कर देते हैं हम। ठीक है, कॉनकेव, अब ये हमने बोल रखा बाई कॉनकेव, क्या बोल दिया बाई कॉनकेव, मतलब दो बार कॉनकेव होगा, दो बार कॉनकेव किस तरह से होगा वो देख लीजिए, शेप बता रहा हूँ रेड ब्लड सेल किस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे, एक ये कॉनकेव सरफेस हो गया ये वाला, एक ये कॉनकेव हो गया। तो इस तरीके से RBC होती है पिचकी सी। ठीक है, RBC किस तरह से होती, मान लीजिए हमने बहुत एक आपने एक वो उठाया, आपने पेड़ा देखा है, पेड़ा पेड़ा ले लिया आपने। ठीक है, पेड़े को आप क्या करना है, कभी बीच से प्रेस कर देना दोनों साइड से, बीच से, तो अंदर उसमें छेद सा हो जाएगा, मतलब अंदर से कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, इस तरह से पिचका सा, तो इसी तरह की शेप कैसी होती है हमारी, RBC की शेप होती है। तो ब्लड के अंदर क्या देखने को मिलता है, WBC RBC। ठीक है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट क्या काम करती है, वो काम करती है जो हमारा क्लॉट बनाने में, किसमें, ब्लड क्लॉट इकट्ठा करने में, और उन ब्लड क्लॉटों को इकट्ठा करवाने में एक और चीज हेल्प करवाती है, वो करवाती है कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ब्लड के बारे में। दूसरा आ गया बोन्स, बोन्स हमारे पूरे बॉडी में स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं। बोन्स का अपना खास महत्व है, क्योंकि बोन्स जो है ये किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती है, और जो बोन्स होती है ये क्या करती है, इसमें ही रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। आपसे पूछ सकता है कि ब्लड रेड ब्लड सेल कहाँ पर बनती है, मतलब कि RBC कहाँ पर बनती है, ब्लड कहाँ पर बनता है, सीधा ऐसे पूछ सकता है। तो जो RBC बनता है वो बनता है बेटा बोन्स में, बोन्स में कहाँ बनता है, बोन मैरो में, बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो, बोन मैरो कौन सी जगह होती है, जो बोन के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है उसको बोल देते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो के अंदर से क्या देखने को मिलता है, वहां देखने को मिलता है एक फ्लूइडी सब्सटेंस, और जो ये फ्लूइडी सब्सटेंस है इससे हमें क्या मिलती है, RBC, इससे RBC फॉर्म होती है, और बोन मैरो से बी लिम्फोसाइट भी फॉर्म होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो बोन्स हैं ये कैसी होती हैं, ये ब्रिटल होती हैं, मतलब कि टूट सकती हैं। बोन्स क्या होती है, ब्रेकेबल है। आप बोन लीजिए, आपने नोटिस किया होगा कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो लोगों की बोन टूट जाती है, बीच में से क्रैक हो जाती है। तो बोन का जो नेचर है वो कैसा, ब्रिटल है। कैसा है, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जो टूट सके। और आगे बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या होता है बेटा, ये सॉफ्ट होता है, होता तो बोन की तरह ही पर ये सॉफ्ट होता है। और कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर्स में, हमारे नोज की टिप पर, ठीक है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। लेरिंग्स में यहाँ पर प्रेजेंट होते कार्टिलेज, और जो ब्रोंकियो और जो लंग्स होते हैं, जब लंग्स की ब्रोंकियोल्स यहाँ से जाती हैं, ठीक है, जो ट्रैकियल वाला पार्ट है इधर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बाकी दो बोन्स को आपस में कौन जोड़ता है बेटा, दो बोन्स को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, और लिगामेंट कैसे स्ट्रक्चर है, बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, और दो बोन्स को आपस में जोड़ देगा, उन्हें ताकत प्रोवाइड कराएगा। वही टेंडन क्या करेगा, जो जो आप बोल सकते हो मास है, मास मतलब कि मसल्स है, मसल्स क्या होती है बेटा, मास ही मसल्स होती है। मसल को बोन से कौन चिपका देगा, टेंडन चिपका देगा। कौन चिपका देगा, टेंडन। टेंडन का अपना महत्व है, लेकिन टेंडन जो है ये फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल लिगामेंट होता है। ज्यादा फ्लेक्सिबल आपसे पूछे तो टेंडन बोलना है आपको, टेंडन बोलते हैं कोई कोई, टेंडन। फंक्शन दोबारा सुन लीजिए, लिगामेंट क्या करता है, ये बोन को बोन से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है, ये मसल को
बोन से जोड़ देता है, ठीक है, मसल को क्या कर देता है, बोन से जोड़ देता है, मतलब बोन और मसल को किसने जोड़ा है, टेंडन ने। अब एडिपोज क्या होता है, एडिपोज एक ऐसा खास तरीके का टिश्यू है जो फैट को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। फैट की सेल्स कैसे होते हैं, ग्लोबुलर इन शेप होती है, मतलब गोल गोल आकार होती है, ठीक है, मोटी मोटी सेल्स होती है। तो एडिपोज क्या करता है, उनको इकट्ठा कर लेता है, किसको, फैट्स को। वहीं हमारे पास एक और खास तरीके का टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। आपसे एरियोलर टिश्यू की लोकेशन पूछेगा, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में। एरियोलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्किन और मसल के बीच में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और जो कुछ रहा है वो अभी ये डिस्प्ले हो जाएगा कि स्क्रीन पर, आप उसे जरूर नोट कर लीजिएगा, और जो मैंने बोला है आप वीडियो पॉज करके उसको भी नोट कर लीजिएगा। आई थिंक कनेक्टिव टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गया होगा, बाकी जो भी यहाँ पर आएगा उसे जरूर नोट कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ समझ ना आए तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है।